ओके, सो मेसोन्स में पहला है हमारा पाई प्लस देन पाई ज़ीरो पाई माइनस प्लस देन के माइनस के जीरो बार एंड इट्टा एक के जीरो छूट जा रहा है यहां पर के प्लस देन के प्लस के बाद के जीरोन इसका एंटी पार्टिकल के माइनस देन इस जीरो का एंटी पार्टिकल के ज़ीरो बार और देन ईटा ज़ीरो चार्ज प्लस वन ज़ीरो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो माइनस वन एंटी पार्टिकल केस इसमें ज़ीरो ज़ीरो स्ट्रेंजनेस ये सारे इसका स्ट्रेंजनेस हमारा ज़ीरो ज़ीरो है काय केस में ये वन वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन टेन स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका यू इंटू डी बार ठीक है then इसका हो जाएगा हमारा यू इंटू यू बार या फिर डी इंटू डी बार इसके लिए हो जाएगा डी इंटू यू बार इसके लिए हो जाएगा यू इंटू एस बार देन डी इंटू एस बार यू बार इंटू एक मिनट के माइनस का कर रहे हैं ना एक मिनट में एक यहाँ हो गया इसके लिए इसके लिए हो गया ये पाई माइनस के लिए हो गया ये के प्लस के लिए हो गया ये के जीरो के लिए हो गया देन k माइनस के लिए u बार इंटू एस देन दो और रह गए हमारे इसके लिए t बार इंटू एस और u इंटू यू बार या फिर t इंटू डी बार और s इंटू एस बार एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जैसे यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं u का हमारा जैसे हम लोग पढ़े थे u का चार्ज कितना होता है U का जो अप चार्ज है इसका चार्ज होता है टू बाई थ्री सो चार्ज इज टू 3 और D बार D का चार्ज होता है माइनस वन बाई थ्री और तो D बार का चार्ज हो जाएगा वन बाई थ्री सो अगर दोनों का ऐड करेंगे तो टू प्लस वन दैट इज वन थ्री बाई थ्री दैट इज वन ठीक है तो में इसका वैल्यू हमारा आ गया वन के केसेस में ठीक है तो ये हमारा हो गया अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग वैल्यू अलग अलग फैली के फॉर्म में हम लोग मिशन को फाइन कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा टॉप चार्ज जो है टॉप क्वार्क टॉप क्वार्क इज आल्सो कॉल्ड ट्रूथ एंड बॉटम क्वार्क इज आल्सो कॉल्ड ब्यूटी नेक्स्ट इज क्वार्टचर ऑफ बेरियसर ऑफ बेरियो सो सिंस ऑल द क्वारज दंबर इक्वल टू वन बाई थ्री सो हमारा बेरियो के लिए बी हमारा क्या आना चाहिए बेरियो के लिए बी आना चाहिए हमारा वन सो so, इस केस में हमारा हो जाएगा अच्छा यहाँ पे जो हम लोगों ने चार्ज वन लाया तो कैसे चार्ज वन लाया क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई प्लस का चार्ज वन होता है इसलिए हमारा टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन आया तो इसलिए सब सा बाकी सारा चीज भी यहाँ पे चार्ज अगर जीरो है तो इसका दोनों का वैल्यू जीरो आएगा फिर यहाँ पर चार्ज माइनस है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ऐड करेंगे तो माइनस आएगा इस तरह से बाकी ये टर्म्स है उस तरह से हम लोग

Then it's strangeness, then it's quark structure, then charge. बाद ओके अलग अलग तरह से लिखते हैं पहले हम लेते हैं पी पी का चार्ज होता है वन प्रोटोन स्ट्रेंजनेस इज इस जीरो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा u इंटू यू इंटू टी सॉल्व करके अभी देखेंगे नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का हमारा चार्ज है जीरो स्ट्रेंजनेस इज जीरोक्चर हो जाएगा डी इंटू डी इंटू यू थ्री स्टोर स्ट्रक्चर के लिए नेक्स्ट हमारा पार्टिकल है सिगमा प्लस सिगमा प्लस के लिए चार्ज है वन प्लस वन स्ट्रेंजनेस इज माइनस वन और इसके लिए हो जाएगा यू इंटू यू इंटू एस नेक्स्ट हमारा है सिगमा ज़ीरो सिगमा जीरो के लिए हमारा चार्ज ज़ीरोजनेस माइनस वन एंड The structure is U, D, and S. Next, sigma minus, minus 1, minus 1, D, D, S. Then, cascade family, cascade family, cascade 0, scale is 0, strange particle minus 2. U S S then cascade minus cascade minus minus one minus two B D, D, S, S. and the last one Lambda zero माइनस वन यू डी एस तो ये हो गया हमारा मेसोन्स जो स्पिन हाफ होते हैं सॉरी पेरीओं जो स्पिन हाफ होते हैं उसके लिए इसी तरह से हमारे पेरीओं थ्री बाई टू भी होते हैं उसके लिए भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं अलग अलग पार्टिकल्स के लिए डेल्टा फैमिली स्टार फैमिली सिग्मा फैमिली इसके लिए भी हम लोग अलग अलग फाइंड कर सकते हैं ठीक है सिंपल सा चीज़ था तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लें यहाँ पे हमारा यू यू डी है सो यू यू का हमारा चार्ज कितना हमारा चार्ज आना चाहिए कितना चार्ज हमें आना चाहिए वन क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है वन तो यू का जो अप चार्ज है टू बाय थ्री देन प्लस टू बाई थ्री और डाउन चार्ज है उसका है माइनस वन बाई थ्री इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैल्सियम तो, टू तो, टू प्लस टू फोर फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री थ्री बाय थ्री इज इक्वल टू वन सो ये वन इसके बराबर आ गया तो जैसे बाकी के केसेस में भी हम लोग कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ बेरियो ओके क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ बेरियो के बाद आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कलर्स इन क्वार्क कॉन्सेप्ट लास्ट में हम लोग स्पिन थ्री बाय टू वाला भी देख लेंगे स्पिन थ्री बाई टू में कैसे हम लोग फाइन करते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे सो फर्स्ट इज वाट इज कलर कॉन्सेप्ट सो इन द क्वारक मॉडल जो हमारा क्वारक मॉडल है उसमें वेरियस एलिमेंट्री पार्टिकल्स वी हैव ऑब्जर्व दैट टू और थ्री सेम क्वार्क्स आर रिप्रेजेंटिंग द सेम एलिमेंट जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं यू यू डी 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 यू तो वहाँ पे हम लोग को फाइंड करना इम्पॉसिबल है कि कौन सा क्वार्क कैसा है तो उस केस में जैसे हमारा प्रोटोन का जो केस है अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोटोन का जो क्वार्क स्ट्रक्चर है वो है यू यू टी उस तरह से न्यूट्रॉन है उसमें है डी डी यू तो क्वार्क जो है स्पिन हाफ पार्टिकल है सो so फॉर्म्यन्स जो है और दे मस्ट ये क्वार जो है हम लोगों ने अभी कहा कि ये फर्मिओंस है और फर्मिओंस जो होता है वो फर्मी ड्रैक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है और फर्मी ड्रैक स्टैटिस्टिक्स किसको फॉलो करता है पॉलीज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल को फॉलो करता है पॉलीज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल और पॉलिस एक्सक्लूसन प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम या एक नंबर का एक से ज्यादा क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है एनर्जी का इसका मतलब ये जो इक्वेशन है जिसमें दो टर्म सेम आ रहा है ये पॉली एक्सक्लूसन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ी जिसको हम लोग कहते हैं कलर क्वांटम नंबर कलर क्वांटम नंबर कलर क्वांटम नंबर जो है वो सभी फेवर है क्वार्क के लिए तो फर्स्ट कलर है वो है रेड इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड कलर इज ब्लू इसको हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड थर्ड कलर इज ग्रीन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी सो द रियल वर्ल्ड इट इज मेड ऑफ ए थिर थ्री क्वार्क्स विच आर अप डाउन एंड स्ट्रेंज एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग थ्री क्वार्क्स विच आर द हेवियर प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स एंड द इन्फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल स्टेजेस तो अप के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यू ठीक है यू आर यू बी यू जी अप उसी तरह से आर फॉर रेड बी फॉर ब्लू जी फॉर ग्रीन उसी तरह से डाउन के लिए डी आर डी बी एंड डी जी और स्ट्रेंज के लिए हमारा एस आर एस बी एंड एस जी सो इस टाइप ऑफ क्वार्क हैज इट्स एंटी क्वार्क तो इसके एंटी क्वार्क भी होंगे सो सो क्वार्क हैज Has six quantum numbers. Color quantum numbers. Color quantum numbers. Color quantum number. And similarly, it's six. एंटी पार्टिकल्स के लिए भी होंगे एंटी क्वार्क्स के लिए तो डेट मींस सब में थ्री थ्री का स्ट्रक्चर है वन टू थ्री तो सिक्स थ्री एटीन तो हमारे लिए टोटल क्वार्क कितने हो जाएंगे एटीन क्वार्क्स एंड एटीन क्या हो जाएंगे एंटी क्वार्क्स एटीन प्लस एटीन टोटल हमारे पास कितने कलर क्वार्क्स हो जाएंगे थर्टी सिक्स कलर्ड So, ये पॉली प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे पॉलीज एक्सक्लूसन प्रिंसिपल को ये फॉलो करेंगे वाइजेशन जो है वो यहाँ से हट गया कलर क्वार्क के फॉर्म में तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि क्वार्क स्ट्रक्चर ऑफ बेरियॉन्स का जो हम लोग यहाँ पे देखा था स्पिन वन बाय टू के लिए उसी तरह से स्पिन थ्री बाय टू के लिए भी देखेंगे तो क्वार्क स्ट्रक्चर फॉर बेरियो स्पिन थ्री बाई टू सो पार्टिकल चार्ज स्ट्रेंजनेस एंड क्वार्क स्ट्रक्चर तो इसमें कौन कौन से है डेल्टा प्लस प्लस इसके लिए चार्ज टू स्ट्रेंजनेस जीरो स्ट्रक्चर यू 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 उसी तरह से डेल्टा प्लस इसमें वन जीरो यू यू टी नेक्स्ट इज डेल्टा ज़ीरो इसके लिए ज़ीरो चार्ज जैसे ज़ीरो है तो इसलिए ज़ीरो जीरो एंड इट इज यू डी डी नेक्स्ट वन इज डेल्टा माइनस इसके लिए चार्ज माइनस वन जीरो डी 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 नेक्स्ट हमारा है डेल्टा माइनस हो गया अब आते हैं डेल्टा के चारों फैमिली हो गए अब आते हैं सिग्मा स्टार प्लस वन एंड माइनस वन स्ट्रेंजनेस यू यू एस देंड सिग्मा स्टार जीरो जीरो माइनस वन यू टी एस नेक्स्ट वन इज next sigma star minus minus 1 minus 1 dds and the last uh, cascade family cascade star still charge minus 1 stillness minus 2 स्ट्रक्चर इज डी एस एस उसी तरह से लास्ट वन इज ओमेगा ओमेगा माइनस दैट इज माइनस वन थ्री एस 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 तो ये हमारा था क्वार स्ट्रक्चर और क्वार स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने देखा तो इसी के साथ हमारा पार्टिकल फिजिक्स ऑलमोस्ट पूरा पूरी कंप्लीट हो गया एक सिमेट्री है सिमेट्री को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में अगर हमारे पास एस यू टू सिमेट्री और एस थ्री थ्री सीमेट्री से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे और उसे इलेट कम करेंगे